सलमान खुर्शीद के विवादित बोल, सनराइज ओवर अयोध्या नाम की किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हराम से। अयोध्या फैसले पर सलमान खुर्शीद ने की सुप्रीम कोर्ट की तारीफ, हिंदुत्व की राजनीति को बताया खतरनाक। दिग्विजय सिंह का बीजेपी नेता आडवाणी पर निशाना, कहा आडवाणी ने राम जन्मभूमि को बनाया था मुद्दा, जहां भी रथ यात्रा लेकर गए वहां नफरत फैलाई। अयोध्या के फैसले पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने उठाए सवाल, का सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसीलिए सही क्योंकि इसे दोनों पक्षों ने स्वीकारा। आज राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे राष्ट्रपति कोविंद, राष्ट्रपति भवन में होगा सम्मेलन। 6 दिसंबर को भारत दौरे पर आ सकते हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन, कई समझौतों पर करार संभव। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का बयान, कहा जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार, आज सोनिया गांधी से मिलेंगे गहलोत। बारिश से बेहाल हुआ तमिलनाडु, कई इलाकों में जमा बारिश का पानी, आज फिर चेन्नई समेत 6 जिलों में भारी बारिश की आशंका। मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, सांसदों के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना फंड को फिर किया बहाल, इस साल हर सांसद को मिलेंगे 2 करोड़ रुपए। हरियाणा के सोनीपत में डबल मर्डर से हड़कंप, बदमाशों ने जूनियर रेसलर निशा और भाई की दिनदहाड़े गोली मारकर की हत्या। मुंबई ट्रक केस और वानखेड़े मामले में आज प्रभाकर सेल से फिर एनसीबी करेगी पूछताछ, प्रभाकर सेल का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। एनसीबी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा प्रभाकर से पूछताछ के बाद जांच को एक दिशा मिल गई है। एनसीबी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा आज किरण गोसावी से जेल में जाकर पूछताछ करेंगे, मामले में कई और लोगों के दर्ज किए जाएंगे बयान। आज नवाब मलिक के खिलाफ एक बड़ा खुलासा कर सकते हैं बीजेपी नेता हैदर आजम, नवाब मलिक के खिलाफ केस भी कर सकते हैं। नवाब मलिक के खिलाफ मुंबई में बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नवाब मलिक के पुतले जलाए। समीर वानखेड़े के पिता के मानहानि केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश, 12 नवंबर तक हलफनामा दे नवाब मलिक। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का मेरठ दौरा, कई कार्यक्रमों में सीएम लेंगे हिस्सा। आज योगी सरकार करेगी टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित, मेरठ के सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में होगा समारोह। यूपी के मुजफ्फरनगर में आज अखिलेश यादव का दौरा, कश्यप सम्मेलन में शिरकत करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। आज यूपी के मुरादाबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की रैली, शोषित वंचित समाज के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। गोरखपुर में मकान पर पाकिस्तान का झंडा फहराने का मामला आया सामने, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी और राजस्थान में बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले, पीलीभीत में डेंगू के अब तक 162 केस, तो वहीं राजस्थान के कोटा में डेंगू के 1400 से ज्यादा मरीज। ओपी राजभर का जागा जिन्ना प्रेम, दिया विवादित बयान, कहा जिन्ना होते पहले पीएम तो नहीं होता भारत का बंटवारा। 2 दिवसीय खटीमा दौरे पर उत्तराखंड के सीएम धामी, आज करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम धामी। यूपी के चित्रकूट में महिला के साथ गैंगरेप मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत 3 दोषी करार, 12 नवंबर को सुनाई जाएगी दोषियों को सजा। बरेली में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा प्रियंका गांधी के यूपी दौरे से चुनाव पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बनाए जा सकते हैं 2 और पुलिस कमिश्नरेट, डीजीपी मुख्यालय ने 4 पुलिस कमिश्नरेटों से मांगी रिपोर्ट। यूपी के अमरोहा में बीजेपी के दलित सम्मेलन का आयोजन, बेबी रानी मौर्य ने किया संबोधित, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। यूपी में स्मार्ट मीटर लगाने पर लगी रोक हटी, उपभोक्ताओं के यहां लगाए जाएंगे प्रीपेड मीटर, 4G तकनीक वाले मीटर्स को पावर कॉर्पोरेशन ने दी हरी झंडी। डबल मर्डर से दहला यूपी का झांसी, कहा सुनी के विवाद में दिनदहाड़े 2 भाइयों का मर्डर, मामला दर्ज कर पुलिस ने शुरू किया। यूपी के मिर्जापुर में रहस्यमय बीमारी का कहर, एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत, इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिखा अनोखा अंदाज, अनुसूचित जाति के पार्टी कार्यकर्ताओं के घर खाया खाना, सबका साथ सबका विश्वास का दिया नारा। यूपी के नोएडा में हाईटेक चोरों का आतंक, लग्जरी गाड़ी को ले उड़े चोर, वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर आज बैठक, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया की बैठक। जम्मू कश्मीर में 24 घंटों में कोरोना के 138 नए मामले, श्रीनगर फिर कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बने की ओर। छठ पूजा में आज उगते सूर्य को अर्घ, बिहार झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में आस्था का महापर्व मनाया जा रहा। इंदौर के आवेश खान और वेंकटेश अय्यर ने बढ़ाया एमपी का मान, न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में हुआ चयन। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं किसान, नाराज किसानों ने हाईवे पर किया चक्का जाम। पीएम बघेल का केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना, कहा केंद्र के पास अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को लड़ाने का फॉर्मूला। पंजाब में विधायक रुपिंदर कौर रूबी ने छोड़ा आम आदमी पार्टी का दामन, सिद्धू और चन्नी की मौजूदगी में थामा कांग्रेस का हाथ, बठिंडा देहाती से विधायक है रुपिंदर कौर रूबी। पंजाब के गुरु हर सहाय से अकाली दल उम्मीदवार वरदेव सिंह मान पर फायरिंग, हमले में बाल बाल बचे वरदेव सिंह। तालिबानी सरकार के मंत्रियों का पाकिस्तान दौरा शुरू, पाकिस्तान ने कहा आर्थिक संकट पर होगी चर्चा। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के ट्राइका प्लस सम्मेलन में शामिल होगा चीन, भारत की एनएसए बैठक में शामिल होने से किया था इनकार। पेशावर आर्मी स्कूल हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए इमरान खान, कहा
पाक में कानून का शासन, कोई दूध का धुरा नहीं। लगातार तीसरी बार आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा न्यूजीलैंड, इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 168 रन का दिया था लक्ष्य, सलामी बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने नाबाद 72 रनों की पारी खेली। आज टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगा मैच। कल पीएम मोदी लॉन्च करेंगे आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, आसान होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करना। ग्लोबल वार्मिंग कम करने की पहल, फोर्ड मर्सिडीज समेत दुनिया की 6 बड़ी कंपनियों का ऐलान, कहा 2040 से पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां नहीं बनाएंगे। ईपीएफओ ने कर्मचारी की मौत पर मिलने वाली रकम डबल की है, ईपीएफओ ने रकम 4,20,000 से बढ़ाकर 8 लाख।